अरे खाना कहाँ गायब हो गया? करते रहते हो इनको हमेशा, क्यों इनका सारा खाना खा गए? क्षमा करना माँ, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगली बार नहीं। मैं अभी और खाना भेजती हूँ तुम सबके लिए। भूख लगी है, कुछ सोचना पड़ेगा। खाना स्वादिष्ट था। मेरा पेट तो भर गया। अब तुम सब आराम से अपना खाना खा लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो व्योमासुर है। इसका इतना साहस कि इसने कैलाश पे आक्रमण किया? माँ, भोलेनाथ भी नहीं है, वो तो गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हैं। गणेश, कहाँ है वो? माँ, प्रभु तो अंदर है। तूने मेरी माँ को कष्ट दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नंदी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी इससे निपट के आता हूँ। बालक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में है। अब मैं कैलाश पे अपना राज स्थापित करूँगा। दूर हट जा यहाँ से। एकदम छोटा है, छोटा, इतना सा मेरे सामने, तू क्या मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? ले मार, मारना। मेरी इच्छा है, तू मुझे मार। क्या हुआ? व्योमा, तू तो गया। व्योमासुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। लगी है? चलो, मैंने मोदक बनाए हैं। मोदक? नहीं माँ, प्रभु सब खा जाएंगे और हम सब इससे भूखे रह जाएंगे।
ये सस्ती कीमत में है। क्या? ओफो अगम, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्षमा करना माते, वो भोलेनाथ ने मुझे कुछ काम दिया था, इसलिए मैं अगम के साथ नहीं आ पाया। अच्छा हुआ तुम आ गए बगम, वरना पता नहीं ये कब से हू हा कर रहा है। अब जल्दी से बताओ क्या काम है। माते, हम नीचे गांव में जा रहे हैं, अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है तो बताइए, हम आते वक्त ले आएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों जल्दी आ जाना ताकि हम सब साथ मिलकर भोजन कर सके। और तुम अगम जल्दी से बोलना सीख लो ताकि मुझे समझ आ सके कि तुम क्या बोल रहे हो, समझे? अरे कोई है, कहाँ गए सब? अरे ओए ए, कोई है? ओ यहाँ के लोग जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम वहाँ ढूंढो, मैं जंगल की तरफ जाके ढूंढता हूँ। अगम, पहले सांस ले लो फिर बोलो। अगम, तुम जाके बग्गम को बुला लाओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, चलो, लगता है बग्गम किसी मुसीबत में फंस गया है। अगम उठो और बताओ तुमने आखिरी बार बग्गम को कहाँ देखा था। नंदी, ब्रिंगी, मूषक, तुम सब अलग अलग दिशा में जाओ और बग्गम को ढूंढो। अगम, तुम मेरे साथ चलो। बाल गणेश, जिस किसी ने भी ये किया है काफी बड़ा और शक्तिशाली लगता है। हाँ, और गांव में एक भी इंसान नहीं है प्रभु। बचाओ, 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 वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? वो पहाड़ी के पीछे, नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे। जिन्होंने भी ये किया है वो उस तरफ पहाड़ी के पीछे है, हमें वहाँ जाना होगा और उनके बारे में पता लगाना होगा। ये तो पाताल भैरवी के राक्षस है, पर ये सबको बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे शंका है ये जरूर इन सब लोगों की बलि चढ़ाने वाले हैं। बलि? देखो, पाताल भैरवी के राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनका सामना डट के करना होगा। नंदी, तुम दक्षिण से हमला करोगे, ब्रिंगी तुम उत्तर से, और अगम तुम पूरब से। प्रभु, मुझे क्या करना होगा? जब देखो तब मुझे ही फंसा देते हैं। इतने बड़े राक्षस का सामना करने मुझे ही भेज दिया, वो भी सामने के द्वार से। कोई है? अरे मैंने कहा कोई है।
पाताल भाई, अरे कोई। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं। अच्छा हुआ तुम मिल गए, ये तो बड़ी भयानक जगह है। मैं कैसे बच बचाता आया हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उमा, इतना बड़ा राक्षस। देखो राक्षस, चाहे तो हम तुम्हें मार मार के समझा सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो हम तुम्हें बड़े प्यार से बात करके भी समझा सकते हैं। बोलो क्या पसंद है तुम्हें? जरा आप सुनो, क्या आपने आप को देखा है कभी? आठ हाथ, चार मुंह और आठ सींग। नहीं, मैं तो वो तो। कितनी कठिनाई होती होगी तुम्हें ऐसे रहने में, और तुम पाताल भैरवी का साथ दे रहे हो जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम बाल गणेश की शरण में आ गए तो वो तुम्हें माफ कर देंगे और एक अच्छा इंसान बना देंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? बाल गणेश, हुकम, तुम लोगों को बाहर निकालो, मैं इन्हें देखता हूँ। किसकी इतनी हिम्मत? सामने आए, कौन है, कौन है? पाताल भैरवी, इन्हें मैंने ठिकाने लगाया है, और अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाल गणेश, बाल गणेश, शिव का पुत्र बाल गणेश, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं तो इन निर्बल और कमजोरों की बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर पृथ्वी लोक, देव लोक और कैलाश पर राज करूंगा, राज। क्या क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरी विशाल राक्षस सेना को मार कर मुझे भी मार दोगे, है ना? तो खड़े क्यों हो? मारो, मारो, अरे मारो ना। क्या हुआ पाताल भैरवी, तू तो गया। पाताल भैरवी, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। अरे वो क्या देख रहे हो, मार दो इन सबको। इतने सारे राक्षस, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है प्रभु। इनको मारते मारते तो शाम हो जाएगी, तब तक तो बहुत भूख लग जाएगी। उसकी चिंता मत करो भृंगी, मैं सब संभाल लूंगा। वाह वाह, अब आएगा मजा,
मार दो इन्हें। मार डाला मुझे। क्या क्या नहीं किया मैंने इनके लिए, और आज मुझे ही, हाय मेरी कमर। बाल गणेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम्हारे दैत्यों ने ही तुम्हें ठिकाने लगा दिया। अब बाकी का काम मैं ही पूरा कर देता हूँ, तुम्हें पाताल लोक भेज कर। तुम ठीक तो हो बग्गम? बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ।
और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूँ। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सरधड़ से अलग हो गया, वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। Oh.
मैं इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं। वही ऊपर चढ़ा था। नहीं। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। कितना परेशान कर देते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान, ये क्या है? क्या करूं माँ, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद है। अच्छा नटखट।
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे हैं सरपट, हो मन मोहक मन भावन नटकट। मूषक गण सब भागे हैं सरपट, विघ्न विनायक संकट मोचन। वक्र तुंड कजरारे लोचन, झूमे गाए बाल गणेश, भक्त जनों के कटे कलेश। इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन। गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ, तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं, उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करे ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा। यह असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। हाँ?
बहुत सासी है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। प्रभु ये तो शिवजी का परशु है। क्षमा करें, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दे, अवश्य नीतिवश मुझसे यह अपराध हुआ है। क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। बाल गणेश इस टूटे हुए दांत से कई महान कार्य करेंगे माते, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और वे एक दंत के नाम से भी जाने जाएंगे माते। इस एक दंत बाल गणेश को कोटि कोटि प्रणाम माते, कोटि कोटि प्रणाम। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। एक दंत बाल गणेश की जय। मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बकम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम भी बताएगा। शांत बग्गम शांत। प्रभु बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। मेरी मुर्गियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! फेर जाओ शैतानों, रुको। वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो, आराम करो।
अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बगम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम, मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अग्गम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं हैं, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। अग्गम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, मुझे बचाना चाहते हो? क्यों अग्गम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अगम,
अगम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगम तुम ठीक हो ना? घायल अगम को बग्गम वैतराज के पास ले गया, जहां पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया। मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया। और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। हमें क्षमा कर दो अगम बग्गम। गुस्सा दिला रहा है, तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। शांत हो जाओ नंदी, शांत। आज बड़ा मजा आया, चलो अब नहाते हैं। परंतु प्रभु, तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना? तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मजा आएगा। परंतु मैं तो एकदम साफ हूँ। अगम बिल्कुल सही, अब तो मूषक महाराज को नहाना ही पड़ेगा। Yeah!
प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? प्रभु मूषक को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। प्रभु मत्स्यासुर नदी है, इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बालक शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यहाँ से जाने को नहीं परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होता। मत्स्यासुर! अरे बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ पाल गणेश। मूषक, तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहीते को शत शत प्रणाम। ये जानते हुए कि तुम्हें तैरना नहीं आता फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तुमने पानी में छलांग लगाई। चिंता मत करो मूषक। परंतु माँ आपने उसे नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। Thank you.
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था।